हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट पे कितनी बार आए हैं और किस किस ईयर में आए हैं। मैंने एक डाटा एनालिसिस किया है और मैं आपको बताऊँगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और कितनी बार आए हैं। हमारा आज का चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्लीज इस वीडियो को लास्ट से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए और क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन 1990, 1991, 1992, 1994, 2011, 2015 और 2017 में आए हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कई फॉर्म में मिलेंगे, ब्लड ग्रुप के मिलेंगे। कुछ कहीं पे कंडीशन ऐसी होगी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, अगर कोई वहाँ पे स्पेशल डोनर प्रेजेंट नहीं है तो। इस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे के सारे। और ये भी दे दिया गया है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो चाइल्ड का कैसा होगा, और चाइल्ड का अगर दिया है तो उसके फादर का कैसा हो सकता है। मीन्स ब्लड ग्रुप से ढेर सारे वेराइटी आप क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब में काफ़ी कैटेगरीज हैं। तो आप ब्लड ग्रुप को अच्छे से क्लियर करके रखो कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोडोमिनेंस। यहाँ से 1996, 2001, 2013 और 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडोमिनेंस से तो डायरेक्टली पूछ लिया गया है कि कोडोमिनेंस होता क्या है, तो बस आपको यही बताना है कि यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ दिखती हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट क्रॉस। यहाँ से 1999, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011 और 2012 में आया है क्वेश्चन। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस तीन बार आया है, 1993, 2006, 2007 में आया है क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, दो तीन बार आया है, 2005, 2014 और एक आध बार हो रहा है। अगला पॉइंट है लिंकेज, 1993, 2003, 2004 और 2010 में आया है, और भी एप्लीकेशन के एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। कलर ब्लाइंडनेस से ढेर सारे क्वेश्चन हैं, लगभग देख रहे हो आपकी 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और कलर ब्लाइंडनेस काफ़ी, मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी टफ क्वेश्चन है, आपको काफ़ी अच्छे से समझदारी से इन क्वेश्चन करना होगा। और आप प्लीज जाके मेरा नीट 3rd ईयर का वीडियो है, वहाँ पे भी इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। डाउन सिंड्रोम से जो भी क्वेश्चन आए हैं मैंने उनका ईयर यहाँ पे आपको नोट कराया है। यहाँ से भी 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे के सारे डायरेक्टली एप्लीकेशन हैं, कैरेक्टर पूछेगा और एग्जाम्पल पूछ लेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेडिग्री एनालिसिस, चार क्वेश्चन है 2009, 2010, 2013 और 2015 में। यहाँ पे आपको वही पेडिग्री चार्ट देगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। हेमोफीलिया से तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब कंडीशंस ये है फादर मदर का कि चाइल्ड कैसा होगा, कैरेक्टर है इसका, मतलब इसके में किस तरह के फीचर्स होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन होगा। क्लाइन फैक्टर से भी चार क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली यहाँ पे वही पूछ लेगा XXY वाला केस, तो आपको बताना है, आप बता भी लोगे उम्मीद है मुझे। फिर आता है थैलेसेमिया, दो क्वेश्चन है 2013 और 2017 में, आप लोग इसे कर ही लोगे, बस डायरेक्टली थैलेसेमिया के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। सिकल सेल एनीमिया, यहाँ से डायरेक्टली सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा गया है और पूछा है कि किस तरह का म्यूटेशन होता है, कई चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। काफ़ी बच्चों को अगर आप इसे शेयर करेंगे तो इससे मदद मिल जाएगी, उन्हें पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर देखें तो इन केवल 13 कॉन्सेप्ट को मिला करके 70-80 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, अगर आप सभी को इन आप लोग कहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा, आप कहेंगे तो मैं इन सभी कॉन्सेप्ट को एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी बेटर वे में क्लियर हो जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।